थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हेलो माय डियर सुपर ब्लेस्ड हैप्पी यूनिवर्स फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव टाइम एंड रिस्पेक्ट. फ्रेंड्स, आई हर्टली वैल्यू लॉट योर ऑल ब्लेसिंग्स ऑल प्रेयर्स दैट यू शावर ऑन माय हैप्पी यूनिवर्स विद गॉड्स ग्रेस एंड विद योर लव विद योर टाइम विद योर ब्लेसिंग्स माय हैप्पी यूनिवर्स इज कीप ग्रोइंग. थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद योर ऑन चैनल ऑन फेसबुक गूगल फेसबुक पेज एंड योर ऑन यूट्यूब. स्टे ब्लेस्ड with my happy universe. So friends, let's start. And what is your responsibility for you? Be happy for your existence, be happy for your life, and love yourself. Because when you just love your existence, means some way you are just loving your life. When you exist, your universe will exist. So with that, let's know what we have discussed till now. We have discussed with thank you. I heartily thank you God for all the blessings and for my lovely happy universe and my happy universe family also. And we have discussed with physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, body, mind, spirit, mind, then who is I am. We all are spirits, and now these spirits are on spirit mission, and today is part 11. So friends, what I am having something unique and creative for you. You know, no? Teaching is my passion, teaching is my creation, and teaching is my power. So what I'm going to tell you for that, just watch all the videos at the end, all the upcoming videos also. तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आज मैं आपको कुछ बातें बता दूँ. फ्रेंड्स, लाइफ में रियलिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं. अगर हम एक बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं लाइफ में तो हम एक एक्सपेक्टेड रिस्क के साथ चलते हैं. और अगर आप नोटिस करें, हम रिस्क कहाँ नहीं लेते, हम रिस्क अपनी लाइफ में हर एक जगह पे लेते हैं अगर हम कॉन्शियस लेवल पे उतने कॉन्शियस हों. रिस्क हम अपनी ज़िंदगी के एक खुशी के साथ हमें कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन खुशी को पाने के लिए रिस्क हमें ज़रूर लेना पड़ता है. हमें कई बार रिस्क ना लेने के लिए भी रिस्क लेना पड़ता है. कितनी हो सकता है अटपटी बातें आपको लगेंगी, माफ़ी चाहती हूँ पहले ही, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं भी एक रिस्क ले रही हूँ कि शायद ये मुझे आपको दिखाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपके लिए इस रिस्क को रिस्क बनाकर ले रही हूँ. बताऊँगी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग. तो फ्रेंड्स, उससे पहले रियलिटी लाइफ की बात कि ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी क्यों है. लेकिन जब ये रिस्क सच्चा और एक फेथ के साथ लिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं रिस्क विद फेथ. आप देख सकते हैं, और मैं आपको इसकी क्लैरिफिकेशन भी बताऊंगी, और मैं रिस्क लेने का हथियार तो बता दूं आपको. अब ये देखिए, रिस्क विद फेथ. फेथ मतलब क्या? आपका विश्वास. आप किस तरह का विश्वास करते हैं? आप अंधविश्वास करते हैं या आप विश्वास करते हैं? आज बात करेंगे कुछ डिटेल में, क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम स्पिरिट मिशंस में होते हैं, वर्ल्डली दुनिया से अबव निकल जाते हैं, उस एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ एंटर करते हैं जहाँ पे ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ रिस्क से भरी होती है. हमें बहुत से लाइफ में ऐसे रिस्क मिलते हैं अपने फेथ के बेस पे. हो सकता है कुछ फेथ हम पहले कुछ अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस में गलत बिलीफ सिस्टम्स के कारण, गलत अपनी मान्यताओं के कारण, किसी भी बिलीफ सिस्टम में कुछ गलत नहीं है, माफ़ी चाहती हूँ अगर कुछ गलत कह दिया हो, लेकिन वो धारणाएँ जो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं पास्ट लाइफ में उसके बेसिस पे, या फिर कुछ ऐसे विश्वास जो सच में ही हमारी ज़िंदगी में रियलिटी होती है और उनके लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है. रिस्क के साथ आपको उसे टाइम भी देना पड़ता है, और रिस्क के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ के साथ और दुनिया में जीकर चलना भी पड़ता है. तो मैं पहले एग्जांपल बता देती हूँ कि मैं आपके साथ कौन सा रिस्क लेने जा रही हूँ. मैं आपके साथ रिस्क लेने जा रही हूँ इस चाकू का. मैं बता देती हूँ आपको एग्जांपल. अब मैं आपको काटने नहीं वाली हूँ, है ना. मैं ना काटूँगी, और मैं आप ऐसा भी ना सोचना कि मैं इससे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ. फ्रेंड्स, फेथ विद रिस्क. आप देख सकते हैं मैंने फेथ को रेड कलर से लिखा है. हम अपने आप को जिताने के लिए बहुत कहते हैं मुझे बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है. अपने आप से पूछिए आप आज कि
कितना विश्वास है आपको? आपका विश्वास वो तो नहीं है जो 10 बंदे आपको काउंसलिंग देते हैं और आपका विश्वास तब बढ़ा रहता है? या आपका विश्वास वो तो नहीं है जब आप कुछ ऐसा देख लेते? मुझे पता है कि ये बोलना बहुत आसान होगा या आपके लिए सुनना बहुत आसान होगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने जा रही हूँ जो आप हमेशा औरों से सुनते हैं। मेरी बात की गहराई में आपको जाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। फेथ, फेथ मतलब क्या? फॉर एवर, मैंने आपको पहले भी शायद फेथ के बारे में बताया हो। ए मतलब क्या? अबव ऑल, विश्वास हर चीज़ से ऊपर है। मैंने आपसे कहा कि आपका विश्वास ये जो हर चीज़ में एनर्जी देता है, हर चीज़ में पावर है, हर चीज़ में जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी डाल देते हैं, आप अपना फोकस डाल देते हैं, तो वो क्या है? आपका फेथ, आपका विश्वास। लेकिन उस विश्वास को करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के साथ रिस्क लेना पड़ता है। आपको रिस्क लेना पड़ता है सिचुएशंस के साथ, क्योंकि मैंने बात की है यहाँ पे कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। फ्रेंड्स, अगर आप फेथ में चलते हैं तो आप फेथ आप प्रैक्टिकल वर्ड को देखकर नहीं कर सकते। फेथ इज़ समवेयर लाइक अ सबकॉन्शियसली। फेथ आपके लिए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ही काम करता है। आप यकीन मानिए और आप इसे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप कहते हैं और आपने सुना भी है, और समवेयर आई अप्रिशिएट दैट, हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ जर्नी के अकॉर्डिंग हर एक अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखता है, और वैसे ही लर्निंग और सीख दूसरों को भी देता है ताकि हम उस पर्सन से कुछ सीख सकें, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप कॉन्शियस लेवल पे हैं, कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस से होके ही हम कॉन्शियस लेवल पे आ सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि कॉन्शियस माइंड है रियलिटी देखता है, जो भी सामने दिखता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे अंदर से चीज़ों को बदलता है। हमें कुछ भी चीज़ चाहिए तो, अगर एक चाकू ही है फ्रेंड्स, तो इस नाइफ को फ्रेंड्स क्या आपको क्या लग रहा है, ये पहले से बनी थी? आपने पढ़ा होगा एंशियंट टाइम में क्या क्या चीज़ें होती थी, औजार होते थे, कैसे कैसे बने। लेकिन जब ह्यूमन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा या कुछ भी उसके माइंड में आता गया, तो फ्रेंड्स क्या हुआ? अगर दुनिया में पैसा भी आया तो किस तरीके से पैसा आया? और फ्रेंड्स, ये चाकू पहले किसी के सबकॉन्शियस माइंड में, किसी के माइंड में प्लानिंग तैयार हुई। अगर हमारे पास एक फ़ोन है, अगर मेरे पास एक पेपर ही है ये, तो ये पेपर भी किसी के माइंड में पहले किसी न किसी तरीके से क्रिएट हुआ। ये आइडिया, कोई भी आइडिया आपके माइंड में आता है, आप एक क्वेश्चन भी लिखते हो, हर चीज़ का आइडिया आपके ब्रेन में आता है, आपके माइंड में आता है। हम नहीं कह सकते वो चीज़ पहले अंदर प्लान हुई तो वो बाहर आई। देन हाउ कुड यू बिलीव दैट कि आपको सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ें आपको कॉन्शियसली ही दिखती हैं, वही चीज़ों को आप मानकर अपनी लाइफ की जर्नी लिख सकते हैं? एवरी वन इज हैविंग अ दैट मच अपॉर्चुनिटी इन द यूनिवर्स टू क्रिएट योर ओन यूनिवर्स। मैंने कहा, नेचर आपको पावर देती है। जब हम उस पावर के करीब पहुँच जाते हैं तो नेचर हमें हर चीज़ का विद प्रूफ हमें एविडेंस देती है, और आपके अंदर एक पावर जनरेट करती है। लेकिन उस पावर को संभालना, उस पावर को लेना, और कितनी देर के लिए लेना और कितनी देर के लिए संभालना, हर चीज़ हमारे हाथ में है। ब्लेसिंग्स, बरकतें, हर चीज़ हमारे पास आती है, लेकिन उसे हम कब तक संभाल के रखते हैं और कितनी देर रख सकते हैं और कितनी देर रखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमारे हाथ में। तो मैं आपको रिस्क से बता देती हूँ। मैंने बात कही आपसे कि कॉन्शियस लेवल की बात। फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू सी, आप सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा देखूं, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहला रिस्क अपनी थिंकिंग के साथ लेना पड़ेगा। आपको रिस्क अपनी थिंकिंग के साथ ये लेना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ से पहले ऊपर उठना पड़ेगा कि रियली में यार मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने दिमाग में पड़े उन गलत नकारात्मक विचारों को और विश्वासों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वो भी एक रिस्क है। कैसा रिस्क है? आप सोचेंगे कि पता नहीं लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, अब मेरे आसपास मेरे लिए क्या सोचेंगे, तो अगर आप ये सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी एक रिस्क है। इस रिस्क के साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क लेना है, और ये रिस्क आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि फेथ फॉर एवर फ्रूटफुल। विश्वास हमेशा ही हमें अच्छा परिणाम देता है। अब विश्वास हम कैसा भी करते हैं, लेकिन अगर विश्वास सच्चा है, सच्चाई से भरा है, तो वो फ्रूटफुल ही होगा। लेकिन वो विश्वास जब आप उसमें रिस्क लेते हो, तो वो अपने डिवाइन टाइम पे आपको रिजल्ट देता है।
जस्ट वेट फॉर योर डिवाइन टाइम. इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. प्रैक्टिकली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ों को टाइम लगता है, दुनिया ये कहती है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब आप फेथ में ग्रो होते हैं और जब आप रिस्क ले लेते हो, ये सब चीज़ें विद स्पिरिट जब आप करते हो, ये आपको करनी नहीं पड़ती. आपका स्पिरिट आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है. तो आप अपने फेथ विद रिस्क में फ्रूटफुली ही उस रिस्क में सक्सेस हो जाते हो फॉरएवर. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ रिस्क. रिस्क इज़ नॉट बैड, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हमें अपने आप के साथ पहले रिस्क लेना ज़रूरी है, अपनी सोच को बदलने का. तो चलिए, आज देर ना करें, अपने लिए रिस्क लीजिए. देर वही करेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और देर से आए बहुत बेस्ट और एक्सीलेंट आए, देन दैट फेथ इज़ रियली अ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि इस चाकू से हम क्या क्या रिस्क लेते हैं, इस चाकू से कितने रिस्क ले जा सकते हैं, इस चाकू से किसी का मर्डर भी किया जा सकता है ना. आप चाकू की बात कर रहे हैं ना, अब इस चाकू से लोग नसें भी काटते हैं, इस चाकू से लोग सब्जियां भी काटते हैं, इस चाकू से लोग क्या नहीं करते. रिस्क ले रहे हैं ना, अगर लाइफ में रिस्क नहीं लेते. अब रिस्क ही तो लेते हैं हम, सब्जी काटते हैं और अचानक से ऐसे ही, अगर जैसे मेरा हाथ कट गया था यहाँ पे, तो क्या होता है, रिस्क हो जाता है, जाने अनजाने में हम रिस्क ले लेते हैं. लेकिन अगर ये रिस्क हम अपनी हेल्थ में कुछ ऐसी सब्जियों को खाने से ले लें जो बहुत ही सुपर फूडों में गिना जाता है, लेकिन उसकी काउंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैं बताने जा रही हूँ आपको. और इस सब्जी को जब हम काटते हैं तो वो भी हम एक रिस्क लेते हैं, और इस चाकू के साथ हम बहुत सी सॉफ्ट सब्जियों को काटते हैं. लेकिन आपने जैक फ्रूट का नाम सुना होगा जिसका नाम है कटहल, और कटहल को काटना एक बहुत बड़ा रिस्क है. जब आप कटहल काटेंगी या काटोगे तो उस टाइम पे आपके हाथ के कटने के बहुत चांसेस है, लेकिन आप फिर भी रिस्क लेती हैं उसे काटने का. ले रही है ना आप रिस्क, या ले रहे हो ना आप रिस्क. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कटा हुआ जैक फ्रूट है क्योंकि मुझे पसंद है, तो दिखा देती हूँ. ये कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़रूर बताऊँगी. इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ये है कि ये विटामिन सी से बहुत ज़्यादा भरा होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है. पोटाशियम होने के साथ साथ ये बेस्ट है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और फ्रेंड्स ये बहुत से डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करता है, और ये स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है. स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप जैक फ्रूट खाइए. और जितने भी ज़्यादा अगर आप वेट लॉस के लिए भी सोचते हैं, तो इसमें हाई फाइबर होने के कारण आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखता है. और उससे बड़ी बात, अब ये क्या लेकर आई हूँ भाई मैं आपके लिए, भाई पहले बता दूँ ये होम ग्रोन लेमन्स हैं. घर की चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती, और देखिए नेचुरली ग्रीन है. तो मैं आपको इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आपको पता है शहद में नींबू डाल के पीने से वेट लॉस होता है, और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी से भरा होता है, खट्टा होता है, है ना, बीपी लो होता है, तो आप उसमें भी नमक तेज़ डाल के नींबू पानी दे सकते हैं. लेकिन आपने देखा है जब हम नींबू को अपने कहीं पर भी स्पेशली आप शॉप्स में देखते होंगे कि ये काली मिर्च और नींबू क्यों लगाया जाता है, अंधविश्वास फैलाया जाता है काली मिर्च जैसे कोई टोटका कर दिया हो. लोग करते हैं टोटके भी, अपने बिलीफ सिस्टम्स है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न बता दूँ इसका कि जो लेमन है ये क्या करता है, ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है. इसके अंदर कुछ ऐसी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं जिसके थ्रू पॉजिटिव ऑरा जो है उस जगह पे अट्रैक्ट होता है, और जितनी भी नेगेटिविज्म चीज़ें होती हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है. साइंटिफिक रीज़न इसका ये है, शॉप के बाहर या जहाँ भी आप देखते हो, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिविटी को दूर करता है. ये कोई काला जादू नहीं है. तो फ्रेंड्स, जस्ट स्टॉप ऑल द मिथ्स एंड ऑल, एंड जस्ट कम अप ऑल अबव ऑल विद द फेथ. एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम मोर ब्लेस्ड, then so that you have to take little bit risk in your life. Stay blessed with my happy universe. Take care of yourself, take care of your family, and take care of your universe. Channel aapki khushi ka hai, ise apni khushiyon ke liye badhaye. Video ko like kare, channel ko subscribe kare, aur apne loved ones aur needy ones ke sath share kare. Stay blessed and stay more blessed ever.